यूपी के लखीमपुर में जो कुछ हुआ किसानों के साथ, उस पूरे मसले पे बात करने के लिए मेरे साथ अब भूपेश बघेल हैं, सीएम छत्तीसगढ़ के, उनसे बात करते हैं। सर, कैसे देखते हैं पूरी घटना को? आप जाना चाहते थे, शायद आपको जाने नहीं दिया गया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना, और ये दुर्घटना नहीं बल्कि सोची समझी इनकी रणनीति, और उस रणनीति के हिस्से में किसानों को गोलियों से भून दिया गया, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसे रौंदा गया, उसकी हत्या कर दी गई। तो जो हत्यारे हैं उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। चूँकि इस घटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का के पुत्र का नाम आ रहा है, तो सबसे पहली बात यह कि उस मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके बेटे को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, हमारी मांग है। सर, आपको क्या लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या कोई सफाई दी जानी चाहिए, अपना पक्ष रखा जाना चाहिए था, या फिर आपको लग रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं, जिस तरीके की कार्रवाई की जा रही है, वो सही जा रही है? देखिए, छोटे छोटे बातों में मोदी जी का ट्वीट आता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई लेकिन उसके बारे में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। तो आखिर में केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या छुपाना चाहती है, किसे बचाना चाहती है, या किसे डराना या धमकाना चाहती है, तो ये स्पष्ट होना चाहिए। और इसका खुलासा करने के लिए, संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका जी वहाँ जा रही थी, उनको रोका गया, उनको गिरफ्तार किया गया, अन्य हमारे विपक्ष के नेताओं को उसको रोका गया है। इसका अर्थ ये है कि जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे दबाने की कोशिश की जा रही है, उसे डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ के किसान, यहाँ का अन्नदाता न कभी डरे हैं, जो अंग्रेजों से नहीं डरे हैं उनसे क्या डरेंगे। छत्तीसगढ़ में अगर ये घटना होती तो आप किस तरीके से पेश आते, क्या राजनीतिक दलों को वहाँ तक जाने की अनुमति होती? बिल्कुल होती। अभी जो सिलगेर की घटना घटी, जिसमें क्योंकि वहाँ कैंप लगा रहे थे नक्सली क्षेत्र में, और उसका विरोध हुआ, गोली चली, 3 लोगों की मौत हुई, जितने मीडिया हाउस हैं उनको हमने जाने दिया, जितने भी एनजीओ के लोग हैं उन्हें जाने दिया, भारतीय जनता पार्टी और दूसरे विपक्ष के लोग वहाँ जाना चाहते सबको जाने दिया गया। एक सर, मेरा अंतिम सवाल है, आपको ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का, ऐसे में आपकी तरफ से क्या कुछ स्टेप्स उठाए जाएंगे? मुआवजे की जहाँ तक बात है, आपने केंद्र सरकार से मांग की, कांग्रेस की तरफ से क्या किया जाएगा? कांग्रेस की तरफ से सीधी मांग है, जो गौरव वल्लभ जी ने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जाँच कराया जाना चाहिए, दूसरा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उसके लड़के को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ की मुआवजा और उसके परिवार के लोगों को नौकरी दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आरएनएस से बात करने के लिए।